राजस्थान से बाहर के जितने भी लोग हैं उनको लगता है पूरे राजस्थान में दौरे हैं, है ना। आप दिल्ली कभी जाइए, पढ़िए वहां, और कोई यूपी बिहार का जो बंदा मिल जाएगा उसको लगेगा कि आप प्यासे हो, है ना, और आपने 7 पीढ़ियों से भी ढंग से पानी पिया। वो हमारे एक सीनियर है, वो हंसते हैं कि कोई दिल्ली रहते थे और साथ में कोई बिहार का लड़का रहता, तो एक दिन सुबह सुबह नहा रहे थे, वो नहाने में टाइम लग रहा, बार बार जो बंदा बैठा उसको भी कोचिंग जाना, उसको भी नहाना, तो उसने नोक किया, अरे यार फटाफट नहा गया। तो उसने कहा नहा तो लेने दे यार, ढंग से आ जाऊंगा। तो थोड़ा पानी वानी और चलाया उन्होंने, वो कई देर बाहर नहीं है, तो बिहार वाला बैठा बैठा बाहर कहे कि हाँ बाप दादे तो नहाए नहीं थे, तो आज पूरा यहीं आके नहाए, पहले तो पानी कहाँ देखे हो तुम लोग, यहाँ आके देखे हो तो पूरा नहाओगे यहाँ पे। तो उनको सबको ये लगता है बाहर वालों को कि राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान में पूरे में क्या है, दोरे। जयपुर से इधर वालों को लगता है, पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं उनको लगता है कि पश्चिमी राजस्थान में पूरे में क्या है, धोरे। धोरे पश्चिमी राजस्थान में, धोरे जिसको जो टीले सैंड ड्यून्स, वो चूरू और हनुमानगढ़ में है। वो तो कहां पर है, लोगों को लगता है जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर प्लेन डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, डेजर्ट है, मरुस्थल है, लेकिन धोरों वाला नहीं है। धोरे है भी तो कोई ज्यादा ऊंचे धोरे नहीं है। अब वो कई बार लैनिया होता है कि जैसलमेर वाले धोरे फेमस हो गए, कि सम के धोरे हैं, सम के, तो बस सम जैसे धोरे चूरू के गांव गांव में पड़े हैं। ये फतेहपुर क्रॉस कर लो आप, तो रोड से बीकानेर जाओ और फतेहपुर क्रॉस करने के बाद रोड पे धोरे पड़े हैं, है ना। तो ये जैसलमेर बाड़मेर बापड़े में धोरे है ही नहीं, फालतू में जैसलमेर बाड़मेर वाले बदनाम हो रखे हैं। आप कभी बीकानेर में, तो मैं हंसता ही हूँ, मैं तो रहा हुआ हूँ वहां पे, मेरा नेटिव प्लेस रहा हुआ हूँ। बीकानेर में रात को जल्दी सो जाया करते, यदि खाना थोड़ा सा लेट खाते ना तो आधा किलो धूल साथ में खाया करते, इतनी मिट्टी वाली आंधियां चलती, क्योंकि धोरे धोरे चारों तरफ एकदम। हम स्कूल में जाया करते तो यूं धोरों के ऊपर से चढ़ना और उनके ऊपर दर दर दर, वो एडवेंचर हुआ करता था उधर, है ना। हनुमान हनुमानगढ़ साइड में नहर जिन इलाकों में आ गई ना, वहां धोरे खत्म हो गए, बाकी नोर भादरा पल्लू ये वाला इलाका पूरा का पूरा वो धोरों वाला ही पड़ा है पूरा। आप यूं जाएंगे तो आपको लगेगा दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, और ये वाला इलाका जाइए अब जैसलमेर बाड़मेर प्लेन पड़ा है। मैं मेरे दोस्तों को हमेशा हंसता हूँ, यदि किसी को गाड़ी चलानी सीखनी हो तो जोधपुर से बाड़मेर रोड पे गाड़ी लेके चला जाए, नाक की डंडी की सीट में रोड पड़ी है, कोई घुमाव भी नहीं आ रहा है कि भाई बीच में धोरे वोरे आएंगे तो घूमेगी तो सही, रोड दिख रहा है 3 किलोमीटर दूर तक तो कोई बंदा नहीं आ रहा है, और जनसंख्या घनत्व है नहीं इसलिए गाड़ियां ज्यादा है नहीं, आराम से अपनी चलाते जाओ। आपको लग रहा है सामने से आ रहा है भिड़ा सकता हूँ तो रोक के खड़े हो जाओ, दिख रहा है ना दूर से आ रहा है, गाड़ियां वैसे ही कम ही आ रही है वहां पे। प्लेन डेजर्ट, कैसा डेजर्ट है। इसलिए पूर्वी राजस्थान वालों तुम्हें यह सीखना है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में धोरे, और राजस्थान से बाहर वालों को यह सीखना है कि पूरे राजस्थान में धोरे, वरना इधर वालों को सबको लगता है कि भाई जैसे अजमेर क्रॉस करेंगे जोधपुर से क्या आ जाएंगे, धोरे। जबकि आप बाड़मेर में इधर जोधपुर में जाओगे तो पहाड़ है, शिवाना तो पूरा पहाड़ियों वाला बेल्ट पड़ा है ना, 56 की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां भाई, तभी तो शिवाना में लड़ाई कर ली। शिवाना ही क्यों शरण स्थली है, क्योंकि शिवाना में क्या है, पहाड़ है। तो हम तो वो खुद अपने भगवत जी सर ने उनकी शादी में उनके गांव गए हुए थे, तो हम शिवाना रुके हुए थे, तो वहां शिवाना रुके तो एक अब सर चले गए, वो बिहार में पुलिस में लगे, डिप्टी लग गए, पहले एक सर अपने पढ़ाते थे बिहार के। तो सुबह सुबह होटल में मैं मेरे रूम में खड़ा हुआ, तो वो पास वाले रूम में वो थे, तो मैं चला गया, मैं सर से बातचीत करते हैं, तो सर थे, तो उन्होंने कहा कि अरे रात तो अपने अंधेरे में आए थे तो होटल में सो गए, अब तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में तो पहाड़ है और इधर पश्चिमी राजस्थान में भी पहाड़ है। मैंने उनको बताया सर ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ है जहां पर कभी चंद्रसेन अकबर के खिलाफ लड़ा और दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के खिलाफ लड़ा, क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ों की भाई यहाँ पर सारी लड़ाई है, यहाँ पर हुआ करती थी। और अब तो यदि कोई पश्चिमी पूर्वी राजस्थान का बंदा पश्चिमी राजस्थान में जाए और ये सोच के जाए कि यार बाड़मेर जैसलमेर के अंदर धोरे होंगे, वहां मिट्टी मिट्टी होगी, कुछ ही नहीं होगा, तो उसको और अचंबा हो कि जैसलमेर में तो होने लगा जीरा, जीरे की खेत, ये तो क्या एक समतल जमीन पड़ी है, पूरे एकदम समतल पड़ा, और समतल के अंदर पूरे में जीरा हो रहा है, तो लंबे लंबे दूर दूर लैंडस्केप खेत दिखेंगे आपको, तो बड़ा यार इतने लंबे में हरियाली 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 दिखाई दे रही है आपको। आजकल उन्होंने लगे इसबगोल, अरंडी, तो हरियाली दिख रही है। ये दिलीप सर के गांव के आसपास उन्होंने लगे अनार, अनार के खेत ही खेत, खेत ही खेत, अनार 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 दिखेगा आपको। तो इधर तो कोई जाए तो उसका दिमाग वैसे खराब हो जाएगा, ये वाला तो मामला ही गंभीर हो रखा है इधर, मतलब इतने अनार होते हैं सर के कि अपने हर साल कोचिंग के अंदर जब भी इनके गाड़ियां बिकने के लिए यहाँ मंडी में आती है तो 5-7-10 गाड़ियां अपने कोचिंग मंगवा लेते हैं और सारे बच्चों को बांटते हैं, 2-1 दिन अनार महोत्सव चलता है कि सारे टाबरी अनार अनार खा रहे होते हैं। तो मेरे याद है, और इतने अच्छे अनार जिसकी कोई हद नहीं,
कि पहली बार जब अनार मंगवाए थे सर ने, को 2016-17 के आसपास इनकी वो खेती शुरू हुई थी, पहली बार जब मंगवाए वहां से तो कहा बच्चों को कैसे बांटे, तो तब थोड़े बच्चे भी कम थे, 4-4.5 हजार लोग हुआ करते, तो कहा एक तरीका तो यह है कि सब बच्चों को अनार दे दो कि भाई तुम घर पे जा खा लेना, फिर यार फिर फील नहीं आता, यूं तो बच्चा मार्केट से लाके खा ही लेता है, उसमें क्या, यहीं पे इनको खिलाएंगे अपने छील छील के इनको दोने भर भर के दो, या क्लास में खाएंगे थोड़ा रहेगा यार, कोचिंग में आज अनार बंटे थे अनार खाए, पर इतने अनार छीलेगा कौन, ये भी तो समझ, तो भाई मजदूर बुला लेते हैं, है ना भाई, मजदूर काम भी तो करते हैं भाई, एक मजदूर मकान बनाने के लिए जाता है दिन के, उसको 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उसका दिन तो अनार छील, सरल काम है उसके लिए, 500 रुपए यहां से ले जा, और आ जाते हैं मजदूर आ गए, तो हमने एक कमरे में बिठाया उनको, कमरे में बिठा के अनार रख दिए खूब सारे, कि अनार छिलो भाई, ये इनके अंदर ये टब वगैरह रख दिए बड़े बड़े, इनके अंदर डाल दो आप, ठीक है। अब वो इतने लाल अनार कि उनका वो जब आप छीलेंगे तो लाल लाल पानी निकले, अब एक आधा अनार भी आप लाल छीन लो तो अपने हाथ भी लाल लाल हो जाते हैं, तो आप सोचो जब 4,000 बच्चों के लिए छिलवाए होंगे तो खूब सारे छिलवाए, तो दूसरे दिन जब उस कमरे में घुसे हम तो हमें यूं लगा जैसे यहाँ पे रात को पाडा कटा है, भाई बकरे का इतना खून नहीं होता, यहाँ तो कोई पाडा ही कटा है, चारों तरफ लाल चरुड हो रखी है एकदम जमीन वो पूरी तरीके से, कि वो आप पैर रख लो तो छाप के छाप के छाप के बन जाए उसके अंदर, तो ये भी नहीं कि भाई अनार अच्छे नहीं होते, सबसे अच्छे वाले अनार हो रहे हैं, इधर वाला इलाका तो बहुत, मुझे लगता है थोड़े दिनों में इस इलाके में होगी केसर, भगवान जब कुछ चीजें कम देता है ना तो कुछ ना कुछ उसकी भरपाई करता है, तेल निकल ही रहा है ना, तेल भाई इन दुबई वालों को ईरान इराक वालों के पास कुछ ही नहीं था ना, आज से 101 साल पहले तक ये बापड़े केवल ऊंट चराते टाइम पास करते, खजूर खाने के लिए था, ऊंट इनके चराने के लिए थे, इनके पास कुछ ही नहीं था, इतने गरीबड़े से मंगते से थे बापड़े। बाद में यहां पर आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने आगे तेल के कुएं खोदे तो इनको पता चला गया हमारे पास तेल, आज खाली तेल बेच के आमदनी कर रहे हैं, और क्या है उनके पास, अब भी क्या है भाई, पूरा का पूरा रेगिस्तान पड़ा उनके पास, पर भगवान ने तेल दिया, आज तेल के दम पे पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, हर दुनिया के हर देश को उनसे बना के रखनी पड़ती है कि नहीं यार अपने को क्या दे देंगे, ऑयल अपने को वहीं से मिलेगा, तो ऑयल वहीं से मिले, ये कहे इधर हो गया अपना इस साइड के, जैसलमेर में कैसर होने लगी, लो ये करेंगे जैसलमेर में कैसर तो शुरू हो गई सर, तो भगवान कहीं ना कहीं मेहरबान होता ही है जी, पर अभी तक इधर चुरू पे मेहरबान नहीं है यहाँ पर आप अभी जाओ बीकानेर में नहर वाले बेल्ट में फिर भी थोड़ी खेती हो ही रही है, थोड़ा बहुत इधर कुएं वुए भी मिल जाते हैं, चुरू अभी तक पूरा का पूरा वैसे रेगिस्तान है, इसलिए वो मिट्टी मिट्टी पड़ी है, इसलिए वो मिट्टी जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है, इसलिए सबसे ठंडा कौन सबसे गर्म कौन, इसलिए आप सर्दी के दिनों में चले जाओ तो आपको लगता है कि शिमला से भी भयंकर ठंडा है, ये फतेहपुर क्रॉस कर लीजिए, फतेहपुर से लेके ठेठ शुरू तक आगे नल में बर्फ आती है, नल है ना नल, तो नल में बर्फ गिर रही है, पानी नहीं है जम गया, यदि भयंकर वाली ठंड है, और गर्मी में चले जाओ तो तापमान 55 डिग्री है, बाफन बढ़ जाए आदमी, मतलब ये आंखों के आईब्रो नहीं बचे, ये हालत रहती है इधर वाली साइड की, तो इधर वाला कोई उधर जाए तो अपने ध्यान रखना, जैसलमेर बाड़मेर से डरने की आवश्यकता, उधर क्या हो रही है आजकल, कैसर हो रही है, लिखो दूसरा पॉइंट।